Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from GPC Chittorgarh. आज हम डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस पर जो बेस्ड है आपके कार्नोट साइकिल पर. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें से एक प्रॉब्लम भी आपके सामने स्क्रीन पर है. 2018 की ये प्रॉब्लम है जो 6 मार्क्स की आई थी. तो इसको हम देखते हैं. ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल एंड ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर ऑफ -4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो डिटरमाइन कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन इट ऑपरेट एज ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन ए हीट पंप ऑन ए हीट इंजन. इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपके ये कार्नोट साइकिल है जो -4 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लोअर टेम्परेचर जो है आपके -4 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपके हायर टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है. इन दो के बीच में आपके ये साइकिल वर्क कर रही है और हमें डिटरमाइन करना है, यानी हमें फाइंड आउट करनी है COP की वैल्यू. COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. और अगर जब यही COP जो है, अगर बात करते हैं अपन हीट इंजन की, इंजन के लिए, तो वो एफिशिएंसी बन जाती है. COP भी एक तरीके से एफिशिएंसी ही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है एक से ज़्यादा होने के कारण इसका नाम जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमें सेपरेटली ये नाम दिया हुआ है. ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब दो टेम्परेचर के बीच में कार्नोट साइकिल वर्क कर रही है और ये डिफरेंट तरीके से, एक बार ए में ये एज ए रेफ्रिजरेशन अगर वर्क करे तो उसकी COP क्या होगी, अगर वो हीट पंप की तरह वर्क करे तो उसकी COP क्या होगी, और अगर वो हीट इंजन की तरह वर्क करती है तो उसकी COP क्या होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम सॉल्यूशन करते हैं. हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है, -4 डिग्री लोअर टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 269 केल्विन, और हायर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 293 केल्विन हमें दिया हुआ है. अब हम देखते हैं कि ये हमने तीनों बना लिए. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर R से मतलब है रेफ्रिजरेशन, ये हीट पंप है, ये आपके हीट इंजन है. देख, हीट रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर से हीट लेते हैं, हीट एडिशन इन साइकिल के अंदर हीट एड हो रही है, तो क्या होता है उसको, हीट एडिशन को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और जो सराउंडिंग को दी जाती है वो हीट रिजेक्शन, और इसमें वर्क इनपुट होता है. और यही चीज़, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पर सिस्टम जो है हमारा लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, हीट पंप में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है वो हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया होता है. मतलब यहाँ पर सिस्टम जो है हाई टेम्परेचर पे है, तो इसमें भी क्या होता है, हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट, क्यों रिजेक्शन. सिस्टम में हीट अपन ऐड करते हैं हीटिंग पंप में, और लो टेम्परेचर से हीट ले रहे हैं, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट जा रही है, तो हमें वर्क का इनपुट करना होगा. और इस जगह पर भी रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ये कि आप हीट जा रही है, तो हमें वर्क का इनपुट करना होगा. उसके बाद हम देखते हैं हीट इंजन. हीट इंजन में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से हीट जो है ली जाती है, और उस हीट से कुछ तो हम वर्क करते हैं आउटपुट, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो हीट होती है वो हम लोअर टेम्परेचर में छोड़ देते हैं. ठीक है, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन जो है बिलो साइड में है, यहाँ पर हीट एडिशन अबव साइड में है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल और हीट पंप साइकिल, तो इसको बोलते हैं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल है लेकिन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल. इसमें जो हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जा रही है, और हमें वर्क जो है इनपुट करना हो रहा है. लेकिन हीट इंजन में क्या होता है कि हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो है हीट फ्लो हो रही है, तो इसमें हमें बाहर से एक्सटर्नल वर्क देने की आवश्यकता नहीं है. इससे हमें और वर्क आउटपुट मिलता है. क्यों? क्योंकि वहाँ से जितनी भी हीट आ रही है वो कुछ, उसका कुछ हिस्सा जो वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ हिस्सा जो है सिंक को या लो टेम्परेचर को दे दिया जाता है. ओके, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो एज ए रेफ्रिजरेशन, जब कार्नोट साइकिल आपके एज ए रेफ्रिजरेशन, दैट्स मीन ये अगर इस साइकिल में अगर अपन देखें, तो यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, वर्क इनपुट हो रहा है. तो इस तरीके से जब रेफ्रिजरेशन मशीन की तरह काम करती है, तो हम जानते हैं कि COP ऑफ R क्या होती है, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर. ये हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं. तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 269 अपॉन 293 माइनस 269, तो हमें COP की जो वैल्यू है वो मिलेगी अपन 11.20.
और अब ये एज ए हीट पंप की तरह अगर वर्क करती है तो क्या होगा? तो वी नो दैट सी ओ पी ऑफ एच पी इक्वल टू टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर इक्वल टू 293 अपॉन 293 माइनस 269। तो 12.20 सी ओ पी ऑफ एच पी की वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया हुआ है और इससे दूसरे तरीके से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए अथवा सी ओ पी ऑफ एच पी क्या होता है, 1 प्लस सी ओ पी ऑफ आर या सी ओ पी आर प्लस 1। जो आपके हीट पंप की जो सी ओ पी है वो रेफ्रिजरेशन से एक ज़्यादा होती है, तो आप रेफ्रिजरेशन में जो 12 पॉइंट आपके क्या आया था सी ओ पी ऑफ आर क्या आई थी आपके 11.20, उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए तो ये सी ओ पी ऑफ आपके एच पी की वैल्यू 12.20। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम हीट इंजन कि अगर ये जो हीट इंजन अगर वर्क कर रही है तब तो उसकी जो एफिशिएंसी है, यहाँ पर सी ओ पी ऑफ टर्म्स काम में नहीं लेंगे, एफिशिएंसी और सी ओ पी बोथ आर इक्वल, बट जब रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए हम सी ओ पी का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो वैल्यू है एक से ज़्यादा आ रही होती है, वर्क इनपुट किया जा रहा है और यहाँ पर एक से कम आती है एफिशिएंसी। तो हम इसको आप एज ए यहाँ पर सी ओ पी भी लिख सकते हो, आप सी ओ पी ऑफ इंजन और इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, तो वर्क आउटपुट कितना होगा, हम जानते हैं कि हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन, ठीक है। तो क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर, और क्यू इज प्रोपोर्शनल टू फॉर टी फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए, तो टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, ये फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर चुके हैं। तो एफिशिएंसी इसमें जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमें कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मिलेगी 0.081 आंसर सी। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर्स में कि सी ओ पी ऑफ एच पी इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ये हमने सिद्ध किया था कि सी ओ पी ऑफ एच पी इक्वल टू कॉपी मतलब हेड पंप की आपके सी ओ पी इक्वल टू सी ओ पी ऑफ आर प्लस 1 और इक्वल टू ही हमने किया था एफिशिएंसी ऑफ ई, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सी ओ पी ऑफ एच पी हेड पंप की सी ओ पी इक्वल टू होती है 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो इसको हम पक्षांतरण कर देंगे, इसको यहाँ पक्षांतरण करेंगे और इसको यहाँ पक्षांतरण करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होगा, 1 अपॉन सी ओ पी ऑफ एच पी इक्वल टू 1 अपॉन 12.20, हीट पंप की जो सी ओ पी 12.20, और इस वैल्यू को जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा एफिशिएंसी 0.081 जो भी सेम वैल्यू। तो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2016 में आया था 4 मार्क्स का, लास्ट वाला जो भी क्वेश्चन अभी सोल्व किया है जस्ट, तो वो आया था 6 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, ए रिवर्स कार्नोट साइकिल मशीन वर्क्स बिटवीन 47 डिग्री एंड माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर कैलकुलेट द फॉलोइंग सी ओ पी ऑफ आर। इसमें कह रहा है एक रिवर्स कार्नोट साइकिल है जो 47 डिग्री और माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उनके बीच में वर्क कर रहा है, तो हमें सी ओ पी की जो रेफ्रिजरेशन है उसकी सी ओ पी फाइंड आउट करनी है, और पावर रिक्वायर्ड पर टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू 1 किलोवाट हो या 1 टन हो, मतलब यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखा है पर टन, कि अगर 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए अगर हमें 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर प्राप्त करना हो तो वर्क कितना इनपुट करना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं हम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 47 डिग्री, तो टी हायर टेम्परेचर, तो 47 को में 273 अपन ऐड करेंगे तो टी हायर जो वैल्यू 320 केल्विन, टी लोअर आपको माइनस 23 डिग्री दिया हुआ है उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 अपन ऐड करेंगे तो हमारे को मिलेगा 250 केल्विन। तो हमारा जो कार्नोट साइकिल है वो 250 केल्विन और 320 केल्विन के बीच में रन हो रहा है, और ये एंटी क्लॉक वाइज होगा क्योंकि ये रिवर्स कार्नोट साइकिल है, ठीक है। तो सी ओ पी ऑफ आर क्या होता है, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, तो 250 अपॉन 320 माइनस 250, तो 250 डिवाइड बाई 70, तो हमारे पास जो सी ओ पी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.57, ओके। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। उसके बाद हम बी पार्ट देखते हैं इसका कि हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या पर टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए बात की, इसका मतलब रेफ्रिजरेशन टन की जो वैल्यू है वन टन है, वन टन को हम जब
कन्वर्ट करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है 3.5 किलोवाट। तो हम रेफ्रिजरेशन इक्वेट को लिखेंगे 3.5 किलोवाट। तो COP इक्वल टू, हम जानते हैं कि COP ऑफ R क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट भी होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो पावर इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के पावर इनपुट इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन COP, और COP अभी हमने फाइंड आउट की थी 3.57। तो 3.5 में ये 3.5 आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और 3.5 आपके COP की वैल्यू, यह आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है, और COP हमने अभी कैलकुलेट की थी। और इस तरीके से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर इनपुट आएगा 0.98 किलोवाट। यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें प्राप्त करने के लिए हमें 0.98 किलोवाट जो है पावर इनपुट देना होगा। तो इस तरीके से हम कार्नोट साइकिल पर डिपेंड, या कार्नोट साइकिल पे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगे स्टूडेंट। और इसके अलावा एक क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ भी आप हमेशा याद रखें कि आप देखिए कि ये जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है, इसके अंदर साइकिल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। आप देखिए, जब भी हम पावर इनपुट करते हैं रिवर्स कार्नोट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन जब हीट इंजन के अंदर साइकिल के आप देखिए ये क्लॉकवाइज होती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है वो उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और इसमें क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।